नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे आश्रितों को पुलिस ने बोकारो स्टील प्रशासनिक भवन के सामने धरना स्थल से जबरन हटाया। इसके विरोध में आश्रितों ने सिटी थाना गेट पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान सिटी थाना के गेट को पुलिस ने बंद कर दिया। पिछले 9 दिनों से मृतक कर्मचारी के आश्रित नियोजन की मांग को लेकर प्रशासनिक भवन के सामने धरना दे रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से देर रात जबरन उन लोगों को वहां से हटाया गया। इस संबंध में धरना दे रहे आंदोलनकारियों का कहना है कि बोकारो स्टील प्रबंधन के इशारे पर ये सारा काम किया जा रहा है। जी हमारी जॉब छीनी गई है, हमारे हक की जॉब थी जो हमें प्रशासन ने नहीं दी, और जब हम प्रशासन से विरोध में कर रहे थे तो हमें प्रशासन से मीट ना करा के ये जो आपकी पुलिस है, सो कॉल्ड पुलिस है, वो हमारे बीच में आके हमें ले गई, क्योंकि वो सिर्फ उनकी मैनेजमेंट की ही पुलिस है। हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई हक नहीं है, ये सिर्फ मैनेजमेंट की सुनती है, तो उन्होंने हमें जबरदस्ती उठा कर ले आया। नहीं कर गए, 2 महीना पहले मर गए, मेरा एक 4 साल का बच्चा है, हम कहाँ जाए, किसके दरवाजा जाए कि मेरा रोजी रोटी मिले। यहाँ जाते हैं एडीएम बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ से कुत्ता लेखा मार के भगा देते हैं लोग, तो फिर यहाँ रात में अरेस्ट इलो किया, तो फिर हम किसके दरवाजे जाएंगे, मेरा खाने पीने, ये लोग भी भगा रहे, यहाँ से ये लोग भी भगा रहे, तो हम कहाँ जाए, किसके दरवाजा जाए।